तो गाइज आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने रख दी हूँ। मेरा पानी अच्छा खासा बॉईल हो चुका है। उसी के साथ साथ यहाँ पर है पालक में, ये है थोड़े से धनिया के पत्ते और ये मिर्ची है कुछ, इसको मैं इसके साथ इसमें डालूंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ली अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है दो तेज़ पत्ते, दो लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़ीरा, दो बड़ी साइज़ के मैंने प्याज ली हूँ, ये है पनीर। और यहाँ पे है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर और यह है मिर्ची पाउडर। और यहाँ पे दही, इसमें है गरम मसाला, कसूरी मेथी, फ्रेश क्रीम, एक टमाटर और यह है काजू। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी। तो चलिए गाइस भी, तो गाइस अभी हम सबसे पहले पानी में डालेंगे थोड़ा सा खाने का सोडा खार। ये इसलिए डालते हैं क्योंकि ये कलर उसका वैसे ही रहे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने डाल दी खाने का सोडा खार। उसी के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी नमक, ये हो चुका है नमक। अभी इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी सब पालक। चले गई अपनी पालक, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। देख सकते हैं मैंने इसमें ये सब पालक भी डाल दिया, साथ ही में मैं कोथमीर और ये दो मिर्ची ली वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अभी इसको ना एकदम चिल्ड वाटर जो होता है ना, एकदम ठंडा पानी उसमें इसको डालेंगे पालक को। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये है एकदम ठंडा पानी फ्रिज का, एकदम बोले तो एकदम ठंडा पानी, बोले तो एकदम ठंडा पानी। तो अभी मैं ये सब जो है ना पालक वो डाल दूँगी एकदम ठंडे पानी में, क्योंकि इसके कलर को बैलेंस रखने के लिए हमको इसको डालना पड़ता है ठंडे पानी में। तो इसको इसमें डीप कर देंगे अच्छे से। तो गाइस अभी मैंने इसको अच्छे से ठंडे पानी में डीप कर दिए। देखिए अभी मैं इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी, लेकिन सबसे पहला मैं टमाटर, जो अपना टमाटो और ये जो काजू है ना, मैं इसको रख लूँ अच्छे से। मैं इसको एकदम ग्राइंडर में डाल के एकदम बारीक कर दूँगी। तो गाइस अभी मैं पालक को पीस रही हूँ, पालक, मिर्ची, कोथमीर, जो इसको सब एक साथ मैं भी पीस लूँगी। ग्राइंडर में मैंने डाल चुकी है, तो अभी इसको पीस लेते जल्दी जल्दी। तो गाइस यहाँ पे अभी मैंने डाल दी तेल, तेल डाल के हो चुका है। तो अभी अपन डालेंगे सब ये सब मसाले, ज़ीरा ये सब गया इसमें, गैस को स्लो रखेंगे, इसको थोड़ा सा सॉटे होने देंगे। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। तो अभी प्याज तो अच्छे से हो चुका है, अभी पक चुका है। तो मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा 5 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर और काजू का पेस्ट। तो साथ ही साथ मैंने पनीर को भी फ्राई करके ले ली हूँ। तो अब ये हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर और काजू का पेस्ट, इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसी के साथ साथ इसमें डाल दूँगी सब जो मसाले जो मैंने निकाली थी, ये सब को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो गाइस ये अच्छे से भून चुका है, इसका तेल पूरा आप देख सकते हो मसाले से अलग हो चुका है, अच्छा सेपरेट हो चुका है। तो अभी अपन इसमें डालेंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अपने हाथों से क्रश करना और फिर इसमें डालना। तो ये मैंने डाल दी। तो गाइस अभी अपन इसमें डालेंगे जो अपना पिसा हुआ जो पालक है ना, ये सब इसमें शिफ्ट कर देंगे। वाओ कलर देखिए इसका, कितना अच्छा कलर आया है ना गाइस। इसको इसमें मिक्स करेंगे। तो गाइज मैंने इसको अभी अच्छे से मिक्स कर ली। तो अभी अपन इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छा पकने देंगे मसाले में। तो अभी अपन इसको ढक्कन ढक कर रखते हैं। तो गाइज ये अच्छे से पक चुकी है, थोड़ा सा देख सकते हैं अब इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अभी इस बेस पे अपन इस पर डालेंगे फ्रेश क्रीम, अमूल की जो फ्रेश क्रीम है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो वो मैं डालूँगी अभी इसमें। ये मैंने 3 चम्मच फ्रेश क्रीम ली थी, ये देखिए अभी ये इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। तो गाइस अभी इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी मस्का, या अगर आपको डालना है तो डालो, या तो नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते। तो गाइस अभी मैं इसमें डाल दूंगी पनीर, तो गाइस बहुत मेहनत लगती। तो प्लीज़ आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग, तो चलिए गाइस अभी इसमें अपन तड़का लगाते हैं। तो अभी मैं डाल दूंगी इसमें अपना लहसुन। तो गाइस चलिए अभी लगाते हैं इसको तड़का।
ये देखिए तो गाइस देखिए मेरा हो चुका है रेडी पालक पनीर बन के, बहुत ही अच्छा बना। तो आप लोग भी कभी ना कभी ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना। तो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।